नमस्कार, मैं हूं देवांशलि मोइत्रा। राजधानी दिल्ली में कोरोना से एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल को 6 दिनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा। सोमवार को ही सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया और शाम होते होते प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक पहुंचने लगी। लोग किसी भी तरह से बस अपने घर लौटना चाह रहे थे, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया और फिर उसके बाद महीनों लॉकडाउन लगा दिया गया, कुछ ऐसा ही इस बार भी ना हो जाए और 6 दिनों के लॉकडाउन के बाद कहीं फिर से महीनों का लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। इसी डर से लोग अपने अपने घर लौटने लगे। राजधानी के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजारा ऐसा था मानो पूरा शहर ही खाली हो रहा। जहां नजर दौड़ाइए वहां लोग अपने सामान लादकर किसी तरह से बस और ट्रेन तक पहुंच रहे। लोगों के कदम अपने घरों की ओर तेजी से बढ़े जा रहे थे। इस समय हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर तस्वीरें वही सामने आ रही हैं। लोग अपना सामान समेटकर बिहार और पूर्वांचल की जो बसें हैं यहाँ से जाती है आनंद विहार इलाके से। प्राइवेट बसों का एक स्टैंड है जहाँ से बिहार और पूर्वांचल की बसें जाती है। बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग अपना सामान, अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा सामान बटोर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। प्राइवेट बसों से लोग अपना टिकट बुक कर रहे हैं और अपने घर के लिए रवाना रहे। लोग कहीं ना कहीं फिर से डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना के लेकर के जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है, पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 2,71,000 से भी ज़्यादा केस आए हैं। अगर दिल्ली की खाली बात करें तो दिल्ली में भी 23,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी हालांकि अपील किया था प्रवासियों से कि वो घबराए नहीं, दिल्ली सरकार उनके साथ है, क्योंकि आने जाने में समय ना बर्बाद करें। 1 हफ्ते की बात है, अगर 1 हफ्ते में चीज़ें कंट्रोल में रहती है तो शायद ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी की बातें सामने आ रही है, आईसीयू में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हम केंद्र सरकार से लगातार मदद में है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से पिछली बार दिल्ली की जनता ने सरकार का साथ दिया था और कोरोना पे एक तरीके से लगाम लगा था, इस बार भी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता से वही अपील कर रहे हैं कि 1 हफ्ते का जो ये लॉकडाउन लगा है ये जनता के हित के लिए है, ताकि कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसके चैन को तोड़ा जा सके। राजधानी दिल्ली में बिहार से लेकर पूर्वांचल तक जाने वाले बसों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही। जिस कोरोना को रोकने के लिए केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया, उसी कोरोना से जुड़ी तमाम गाइडलाइंस की बस अड्डों पर धज्जियां उड़ती नजर आई। दिल्ली की में लॉकडाउन के ऐलान होने के बाद से एक पलायन की स्थिति जो है वो फिर देखने को मिल रही है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके का बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट जो है बसें वो बिहार के लिए जाती है। यहाँ पे बिहार के अलग अलग हिस्सों के लिए बस जा रही है और जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, प्रवासी जितने भी हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पे कूच करने लगे हैं। यहाँ पे निजी बसों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन जो है उसका एकदम पालन नहीं किया जा रहा है। एक बस में ओवर रेट तो ले ही रहे हैं यात्रियों से, जितना तय भाड़ा है उससे 500-600 रुपये भाड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है। साथ ही इस बस में सीट की संख्या से भी ज़्यादा सवारियों को बैठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों से भी अपील किया है कि वो घबराएं नहीं, 1 हफ्ते की बात है, लेकिन प्रवासी तो लॉकडाउन में जाना, वापस अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बस वाले हैं वो भी अपनी सीट की क्षमता से ज़्यादा सवारियों को बैठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जो एक बार खतरा बढ़ने का खतरा है उस बात को, उस चीज़ों को और सही साबित करता है कि इससे कोरोना संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि ना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क लगाया है और बसों में एक सीट पे 3-3 सवारियों को बैठा के बिहार के लिए ले जाया जा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही मास्क लगाने को गंभीरता से लिया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी बस अड्डों पर सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन लगाते वक्त भले ही ये दिलासा दिया हो कि ये सरकार सभी प्रवासियों के साथ है, इसीलिए कोई परेशान ना हो, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां लॉकडाउन के नाम पर लोगों को निकालने लगी, तो वहीं मकान मालिक भी लोगों को घरों से निकालने लगे, जिसकी वजह से लोग घरों को लौटने पर मजबूर हो रहे। बिहार जा रहे भागलपुर, लॉकडाउन की वजह है, कोई काम धंधा है ही नहीं, क्या करेंगे। मालिक ने बोला कि अब यहाँ से चला जाओ,
ट्रेन का टिकट कटाए, कंफर्म टिकट तो मिला नहीं, बेडिंग बनवाए उसके लिए तो चढ़ने नहीं दिया टीटी ने। अब बस का बस पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बस का तो टिकट बनाए और बस में देख रहे हैं कि पूरा पूरा फुल सीट है, खड़ा होने का जगह भी नहीं है, इतनी भीड़ के बस जा रही है, पूरी भरा हुआ है। कितना पैसा ले रहे हैं बस वाले? बस वाले ने 1400 रुपया लेने, मान लो 1500 रुपया, 100 रुपया और फालतू ले लिया। काम तो बिलदारी करता हूँ। कहाँ है वापस जा रहे हैं? हाँ घर जा रहा हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से, अब लॉकडाउन की वजह से वो जा रहा हूँ, काम वो मिल नहीं रहा है, फैक्ट्री कंपनी बंद हो गई। ठीक है हाँ, और बाकी बात रह गया, अब रूम रेंट मालिक ने परेशान कर रहा है, अब कह रहा है भाई अब तुम यहाँ से खाली कर दो, वो तो खाली करवा रहा है, अब वहाँ से टिकट उकट बनवाया, अब बस का टिकट बनवाया, ये 1500-1600 ले लिया, और उसके बाद जो है कि ये अब यहाँ जगह भी नहीं मिल रहा है, सीट भी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। बस में कितने लोग जा रहे हैं? ज़्यादा भीड़? हाँ हाँ पूरा भीड़ है। दूरी है? दूरी कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे सेट के जा रहे हैं, दूरी पूरी कुछ नहीं है भैया। क्या लग रहा है कोरोना कितना खतरा है दिल्ली? अब तो देखो क्या क्या होता है भैया, हम लोग तो मजबूरी में जा रहे हैं, बस काम बंद करवा दिया, काम ही हो रही नहीं रहा, क्या करेंगे, बैठ के कहाँ से खाएंगे, चक्कर ये है भैया और कोई बात नहीं है। बिहार भागलपुर। बिहार क्यों जाने का? ये लॉकडाउन के वजह से मकान मालिक रूम से खाली करवा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है दिल्ली के कि आप लोग एक हफ्ते की बात है, लेकिन आराम घर बनाए रखिए। नहीं मैं सब ऐसे जा रहा था। आप लोग लॉकडाउन की वजह से जा रहे? हाँ जी। क्या हुआ यहाँ, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या होगा, यहाँ काम नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, बस में तो बोला के भर गया, बस वाला बोला भर गया, तो फिर कौन से जाएंगे? फिर कितना लग रहा है? भरा 1600 ले लिया है। पहले कितना लगता था? पहले तो 1000 रुपया लगता था, तब इस समय जब भीड़ ज्यादा होगी तो बस आए। लॉकडाउन चक्कर में जा रहे हैं, जब लगा बंद है, खाने पीने मिलेगा तभी तो रुकेंगे, जब खाने पीने नहीं है तो करेंगे क्या? यहाँ भाई भूखे थोड़ो मरने आया है, अपने घर जा रहे हैं। हाँ घर जा रहे हैं। हम कटिहार जा रहे हैं। क्या वजह है लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन लगने वाला है ना, वहाँ जा रहे हैं गाँव। यहाँ दिल्ली में दिक्कत होगा लॉकडाउन? पता है हमको नहीं पता है कि दिक्कत होगा क्या होगा। जल्दबाजी में लोगों को कंफर्म रेलवे टिकट नहीं मिल रही तो बस से ही जाने को मजबूर हो रहे। स्टेशन और बस अड्डों पर सोमवार से ही घर लौटने वालों की भारी भीड़ जुटने लगी। लोग बस किसी तरह अपने घरों को लौटना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से लॉकडाउन का दंश नहीं झेल सकते। काकी ये पर साल का कर्जा नहीं चुका पाए और सोच रहे थे कि कर्ज चुका ले कमाएंगे, और सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, अभी लॉकडाउन लग रहा है, फिर ऐसा ना हो कि 4-6 महीने का लग जाए तो बाल बच्चे वहाँ पे हैं, हम यहाँ कमाने आए तो क्या फायदा, अपने गांव चले जाए। अच्छा। जी तो यहाँ पे आपको अभी साधन नहीं मिला है? जी सर कोई साधन नहीं, सब पैदल वहीं से पैदल आए हैं, 5 बजे के निकले हैं और अभी तक 9-10 बज गया। अच्छा। 4 घंटा हो गया इतने, तो 4 लड़के साथ में इधर ही दिल्ली से सब आगरा जा रहे हैं पैदल चल के। गाड़ी नहीं मिल रही साहब, कोई बिठा नहीं रहा है, क्या लॉकडाउन वॉकडाउन बोल रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं क्या करें साहब। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम सारा इंतजाम कर रहे हैं। क्या इंतजाम कर रहे हैं, सारा क्या इंतजाम हो रहा है साहब, क्या भी इंतजाम नहीं है, इधर पैदल चल के जा रहे हैं, ये इंतजाम हो रहा है क्या? आनंद विहार से कौशाम्बी बस अड्डे को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर तो पलायन करने वालों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को उतरना पड़ा। पुल पर पूरे दिन जन सैलाब ऐसा था जैसे उन्हें लॉकडाउन जल्दी न खुलने की उम्मीद। इस दौरान तमाम जगहों पर उन्होंने कोरोना से बचाव के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आनंद विहार बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली बसों में सवार होने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। दोपहर बाद के हालात तो बेहद डरावने थे। इस दौरान निजी बस ऑपरेटरों ने जमकर चांदी काटी। उनके एजेंट पूरे इलाके में सक्रिय हो गए और बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर आदि शहरों के लिए सीट देने के दावे करके बुकिंग करने लगे। बस में घुसते पर जिसे जहां मौका मिला बैठ गया। ना तो बसों के अंदर सामाजिक दूरी थी ना ही बाहर। ऐसे हालात से आप समझ सकते हैं कि लोग लॉकडाउन से कितना डरे हुए। शायद यही वजह है कि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। योगी सरकार ने कहा कि वो सख्ती को और बढ़ा देगी लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएगी, क्योंकि इससे लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। NMF न्यूज के लिए दिल्ली से कैमरामैन अनिवेश के साथ सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।